नमस्कार साथियों, हेलो बीकानेर डॉट कॉम आपकी सेवा में हमेशा ऐसी शख्सियत को अपने साथ लेकर आता है। अपने इस प्रोग्राम में ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसी शख्सियत को आपके साथ आपसे रूबरू करवाता है ताकि आप उनके बारे में जानें और उनके कर्म क्षेत्र से आप कुछ सीख सकें, हम सीख सकें। तो आज इसी कड़ी में मैं आपसे रूबरू करवाने लेके आया हूँ। जी हाँ, इसे जानिए ना। नमस्कार मिथिला। नमस्ते सर। सबसे पहले आपकी इस नगरी में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले मिथिला जी, ये जानते हैं कि आपने जो शुरुआत की, उससे पहले जो आपका बचपन था, उस बचपन के बारे में जानना चाहते हैं, आपके परिवार के बारे में जानना चाहते हैं कि आप हमें जो श्रोता है उनको बताएं कि आपका परिवार, आपका बचपन कैसा रहा। जी, मेरा जो बचपन है वो, मेरा जो जन्म है वो बीकानेर में ही हुआ है। बीकानेर में ही पली बड़ी हूँ। मेरा परिवार सब यहीं से है, मेरे मॉम डैड, मेरी सिस्टर, सब यहीं से है। अब हम सब लोग मुंबई में शिफ्ट हो गए हैं, बट बचपन जो है वो मेरा बीकानेर की गलियों में ही बीता हुआ है। बीकानेर से ही मैंने स्कूलिंग की है और यहीं से ग्रेजुएशन की है, सब यहीं से किया है। शिक्षा और जितनी भी हो सकती है वो सब इसी ने यहीं से की है। तो मिथिला, ये जो एक्टिंग का जो होता है ना भूत, वो कब सवार हुआ? ये बचपन में जब मैं छोटी थी तो मेरा एक ड्रीम था कि हाँ, मैं हीरोइन बनूं। जब मैं टीवी पे हीरोइंस को देखती थी तो आई फील लाइक कि हाँ, मुझे भी हीरोइन बनना है, मेरी भी बहुत सारी फैन फॉलोइंग होनी चाहिए, लोग होनी चाहिए जो मुझे पसंद करे। तो बचपन से ये क्रेज था कि हाँ, मैं हीरोइन बनूंगी। और जैसे जैसे आई ग्रो अप, सो मॉम डैड ने सपोर्ट किया एंड मैंने अपना काम किया, मैं हीरोइन बन गई। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि मुंबई जाने से पहले बीकानेर में कहीं कुछ शुरुआत की? बीकानेर में कुछ खास नहीं, बट मैंने जो अपनी शुरुआत की है वो मुंबई से की है। अच्छा, मुंबई से कुछ महीने बारिश होती है, लेकिन मुंबई नगरी में कलाकारों की बारिश 12 महीने होती है। ऐसी स्थिति में जैसे पानी को संभालना मुश्किल होता है, वैसे उन कलाकार को मुंबई नगरी द्वारा संभालना बहुत मुश्किल होता है। बिरले ही होते हैं जो अपने आप को स्थापित कर पाते हैं, जैसे आप अपने आप को स्थापित कर पाए। तो इस संघर्ष की जिंदगी में आपने अपने आप को स्थापित कैसे किया? जी, आप बिल्कुल, मैं आपकी बात से बोलती हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बॉम्बे जैसे सिटी में ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते हैं एक्टर्स बनने के लिए, फिल्म इंडस्ट्री में, डायमंड इंडस्ट्री में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में। और जब हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी कि हाँ, कहीं पे आपको रिजेक्शन मिलता है, मुझे भी बहुत रिजेक्शंस मिले हैं। बट एक होता है कि आपका जो विल पावर होता है वो अगर आपका स्ट्रांग रहता है कि यस, मुझे ये करना है, सो इट्स लाइक फिर भगवान आपको रास्ते अपने आप दे देता है। बहुत अच्छी बात है मिथिला। जो पहला बीज होता है ना, पहला बीज जिसे हम रोपते हैं और एक पौधा खिलता है, तो वो बीज नाम का वो सीरियल या वो फिल्म कौन सी थी जिसमें आपको पहला अवसर मिला? ये मैं आपको कहना चाहूंगी कि जब मैं बहुत छोटी थी बीकानेर में, तो मैं जानती हूँ कि अभी सुनना चाहते हो मुझसे। जब मैं छोटी थी बीकानेर में, स्कूल में पढ़ाई करती थी, तब मैंने एक छोटा सा ऐड किया था। तो मतलब मैं उसे ये नहीं कह सकती कि उसकी वजह से मुझ में ये क्रेज आया। ये जो क्रेज था ये बचपन से था। नहीं, हम मुंबई की बात। हाँ, बॉम्बे, सो दैट्स गुड। मुंबई में जो मैंने सबसे पहले एक टीवी शो किया था, सबसे पहले तो मैंने ऑडिशंस देने शुरू किए। मैं जैसे बॉम्बे गई तो मैंने देखा, एक बचपन से शौक था कि हाँ, हीरोइन बनना है। मैंने वहाँ के लोगों को देखा कि सब, दो साल तो मुझे उनको ऑब्जर्व करने में लग गए कि हाँ, कौन कैसे कर रहा है। यहाँ से एक स्मॉल टाउन से बिग सिटी में जाना, वहाँ के एटमोसफियर में आपको वो करना, एडजस्ट करना। एंड उसके बाद जब मैंने ऑडिशंस देने शुरू किए, तो मैंने जो एक ऑडिशन दिया था सीरियल का, एनडीटीवी इमेजिन का, तो उसमें मुझे जस्ट मैंने उस शो के लिए 22 रीटेक्स दिए थे ऑडिशन में। एंड जो प्रोड्यूसर थे, प्रोड्यूसर वहाँ पे मौजूद थे, जो कास्टिंग डायरेक्टर थे वो वहाँ पे मौजूद थे। तो हमारे जो कास्टिंग के जो असिस्टेंट थे, उन्होंने बोला कि मैम, शी इज़ लाइक 22 टेक्स दे रही है, ये कैसे करेगी? बट उन्होंने बोला कि ओके, तुम चुप रहो, मैं देखती हूँ क्या करना है। तो शी सेड नो, शी इज़ इन, आई वांट दिस गर्ल, मेरे कैरेक्टर के हिसाब से
शी इज परफेक्ट. तो लाइक वो जो था वो मेरा लाइफ का फर्स्ट था कि मुझे फर्स्ट टाइम कुछ मैंने मुंबई इंडस्ट्री में कुछ काम किया. मतलब वो जो डायरेक्टर था उसको लगा कि इस बीज में जान है कि ये वृक्ष बनेगा. यस यस एब्सोल्युटली. तो डायरेक्टर की जो आंखें होती है ना वो बहुत ही ईमानदार आंखें होती है. वो पहचान वाली आंखें होती है. वो पता कर लेती कि इसमें कितना दम है और उसने उस आपको पहचाना और अवसर दिया. जी बिल्कुल. उसके बाद भी मिथिला होता क्या है कि शाहरुख खान जो है ना, शाहरुख खान का जो नाम है वो ऐसे ही नहीं है. सलमान खान है चाहे अरबाज खान है, जो भी एक्टर है, अमिताभ बच्चन भी क्यों ना हो, उन्हें भी अपने आप को स्थापित करने के लिए डे नाइट मेहनत करनी पड़ती है. ऐसा नहीं कि वो हीरो बन गए, स्टार बन गए तो बस अब कुछ नहीं. उन्हें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है. तो मिथिला क्या करे इस तरह की मेहनत कि अपने आप को स्थापित कर ले? जी मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है. सबसे बड़ी बात लड़कियों के लिए अपने आप को मेंटेन करना, डाइट करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट. और तो हम बीकानेर के लोगों के लिए तो यू कैन अंडरस्टैंड, इट्स वेरी डिफिकल्ट. बट आप सही कह रहे हो, मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है अपने आप को कायम रखने के लिए. आपको सुबह शाम दिन रात सब काम करना पड़ता है. 24 आवर्स घूमना फिरना, लोगों से मीटिंग्स करना, ऑडिशंस देना एंड अभिनय पे, यस बिल्कुल, अपने एक्टिंग पे फोकस करना. आपको हमें जब कुछ एक बस एक कैरेक्टर दे दिया जाता है कि हाँ ये आपको प्ले करना है, लेकिन उसमें जो जान डालनी होती है वो हमें डालनी होती है. उसको अपने तरीके से ढालना पड़ता है, उसको सोचना पड़ता है कि नो आई एम नॉट मिथिला, आई एम दिस गर्ल, मैं ये लड़की हूँ. ये कैसे सोचती होगी, जैसे मैंने इतने सारे कैरेक्टर्स किए हैं, ऐश्वर्या, गुड्डी, प्रेमा, तो कहीं कोई कैरेक्टर में कोई चंचल सी लड़की थी, किसी कैरेक्टर में सीधी साधी डरी सहमी सी बहू थी. तो हमें उस तरीके से सोचना पड़ता है कि अरे बहू है तो ये कैसे सोचती होगी, कैसे चलती होगी, अपनी सास के सामने कैसे बात करती होगी. तो ये सब चीजें इन पे हमें बहुत वर्कआउट करना पड़ता है. बिल्कुल बिल्कुल मिथिला, मैं आपके बात से सहमत हूँ. कोई भी करेक्टर मिलता है तो उसकी शिक्षा से लेकर उसका जो बैकग्राउंड है, उनके जो मित्र है, उनके जो रिश्ते नाते हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है, उनकी शिक्षा दीक्षा क्या है, सबको ध्यान रखकर एक करेक्टर का जो डेवलप करना पड़ता है. उसके बाद उस करेक्टर में डूबना पड़ता है. बहुत मुश्किल काम है. और साथ साथ जो जैसे आपने कहा कि लड़कियां ही नहीं बल्कि शाहरुख खान को भी अपने आप को मेंटेन करने के लिए योगा करना पड़ता है. 5 बजे उठना है ना, चाहे रात को 3 बजे सोए लेकिन सुबह 5 बजे उठना है, योगा करना है और अभिनय पर फोकस करना है. Yes. पहला सीरियल मिलने के बाद उसके बाद ये सिलसिला कहाँ कहाँ चला, कौन कौन से सीरियल मिले, कौन कौन सी फिल्में मिली आपको? सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया मियां जी साहब मिला, एंड उसके बाद में मुझे मिला मिसेस कौशिक की 5 बहुएं जी टीवी के लिए. उसके लिए भी मैंने ऑडिशंस दिए थे. बिकॉज यू नो वट, मुंबई इंडस्ट्री ऐसा नहीं है कि आपको अगर एक काम मिल गया तो आप बहुत आपने बहुत कुछ ज़्यादा अचीव कर लिया है. तो आपको डे बाई डे आपको मेहनत उतनी करनी पड़ती है. आपको डेली ऑडिशंस देने पड़ते हैं, लोगों से मिलना पड़ता है. फिर मैंने सेकेंड शो किया मियां जियो साहेब, यस यस, काफ़ी फेमस रहा था वो शो. एंड आफ्टर दैट आई डिड अ राजस्थानी मूवी. फिर मैंने सपने सुहाने लड़कपन की, वो भी काफ़ी फेमस शो था, वो शो किया. एंड उसके बाद में फिर मैं इस बीच एक 2014 में मैंने एक शो किया था नैना मन की आंखें, डीडी का, दूरदर्शन का. इसके बीच में जो गैप था उसमें मैं मॉडलिंग्स करती थी, प्रिंट शूट्स वगैरह उसमें मैं बिजी रहती थी. तो ये सब चीज़ें मैं करती थी. और फिर उसके बाद मैंने एक इवेंट किया था, एक ब्यूटी पेजेंट था, मिस खूबसूरत 2013. तो वो मैंने वॉन किया नागपुर में. एंड फिर रिसेंटली मैंने एक मूवी की है पंजाबी. तो उस मूवी का नाम है विक बाराता चलिया. सो वो जल्दी रिलीज होने वाली है 28 जुलाई को. सो ये है कि आप कंटिन्यूसली हमें काम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं कि ये जो हमारे hellobikaner.com के जो हमारे श्रोता है, दर्शक है, वो ये जानना चाहते हैं कि आने वाली फिल्में कौन सी मिथिला की. हाँ, आने वाली जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मेरी आने वाली मूवी है विक बाराता चलिया, पंजाबी मूवी है. और इसमें अमरिंदर गिल जी हैं एंड मैं हूँ सेकंड लीड में हूँ. एंड उसके बाद में एक मेरी अपकमिंग मूवी है जो अभी तक फ्लोर पे नहीं गई है, तो सितंबर तक उसकी शूटिंग स्केड्यूल शुरू होगा. सो मे बी 2018 तक वो भी आ जाएगी. बहुत अच्छी बात है. दर्शकों या श्रोताओं, मिथिला के लाखों फैन हैं, लेकिन मिथिला से हम ये जानना चाहेंगे कि आप किसकी फैन हैं?
आई लव प्रियंका चोपड़ा एंड सुष्मिता सेन. सुष्मिता सेन, यस. और जेंट्स? जेंट्स में मैं फॉलो करती हूँ अमित जी को, अमिताभ बच्चन जी को, एंड हैंडसम हंक सलमान खान. दोनों ही मेरे पसंद है. ओह, दैट्स गुड. बहुत अच्छी बात है. मिथिला देखो, इस मुंबई जो नगरी है ना, कहते हैं वहाँ कोई ना कोई गॉड फादर होता है. यस yes. है ना, तो ये जो हमारी चुलबुली मिथिला है उसका गॉड फादर कौन है? मेरा गॉड फादर मैं खुद हूँ. क्या बात है. लेकिन मेरा गॉड फादर मैं खुद हूँ. मुझे किसी ने इस तरह से सपोर्ट नहीं किया कि इंडस्ट्री में जो एक होता है कि आपको इंडस्ट्री में काम दिलवाने के लिए, बट एक जो फैमिली सपोर्ट होता है जो मेरे मॉम डैड ने मुझे बचपन से दिया है, मुझे ग्रो किया है. सो एक वो वही उसी मेंटेलिटी के साथ किया है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ. अदरवाइज शायद मैं भी आज किसी बीकानेर के घर में बैठी होती या कुछ ना कुछ और कर, कहीं जॉब कर रही होती, कुछ और कर रही होती. एक उन्होंने हमें बचपन से ये फ्रीडम दिया कि तुम जो चाहो तुम वो कर सकती हो. हमें हर चीज़ से सपोर्ट किया, कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं. हाँ, लेकिन हमें गलत और सही का बताया कि ये चीज़ गलत और ये सही है. तो मैं सही मायने में उन्हें अपना गॉड फादर कहना चाहूँगी, बिकॉज जो आपको बनाता है वही आपका गॉड फादर है. बिल्कुल, घर वाले ही गॉड फादर है. और दूसरा अगर मैं ये कहूँ कि मिथिला की जो मेहनत है, जो सोच है और जो उसका काम करने का तरीका है, वो इसका गॉड फादर है. हमारे कुछ जो नए कलाकार हैं जो इस लाइन में आना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनमें अक्सर ये भ्रांतियाँ रहती है कि अगर कोई गॉड फादर नहीं होगा तो वहाँ काम मिलना बहुत मुश्किल है, कोई राह दिखाने वाला भी चाहिए. लेकिन ये मेरे साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं है. जैसे मिथिला ने अपनी मेहनत से अपने आप को गॉड फादर बनाया, और ये अच्छी बात है कि परिवार ने उसको उनको बहुत सपोर्ट किया. तो अगर आप भी काम करना चाहते हो, निसंदेह निकलिए, अपने गॉड फादर खुद बनिए. क्या कहना चाहेंगी जो हमारे बीकानेर से या इस प्रदेश से कोई मुंबई नगरी में अपने आप को स्थापित करना चाहता है, तो उनको क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल हर्ष जी, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप अपने आप में बिलीव करो, अपने आप की रिस्पेक्ट करो. बिकॉज अगर आप खुद अपनी रिस्पेक्ट करते हो तो दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करती है. सबसे पहले अपने आप में ट्रस्ट करना सीखो, सोचो आपको क्या करना है. और उसके बाद में मैं उन बच्चों के पेरेंट्स से भी, जो भी हैं, मैं उन सबसे, उनके फैमिली मेम्बर्स से भी ये कहना चाहती हूँ कि आज ज़माना, आज नहीं, मैं तो इवन बहुत पुरानी की भी बात करती हूँ, हमेशा से ज़माना कभी नहीं बदलता, सिर्फ लोगों की मेंटेलिटी जो है वो हर ज़माने में चेंज होती है. तो मैं ये चाहती हूँ कि सब आप अपने बच्चों को सपोर्ट करो हर चीज़ में. जो अगर कुछ भी करना चाहता है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री हो या कुछ और हो, कोई जॉब करना चाहता है, व्हाटएवर, जो भी करना चाहता है, आप उन्हें वो करने दो. तभी आप एक एक अच्छा एटमोसफियर क्रिएट करना चाहिए. एक अच्छा एटमोसफियर क्रिएट करके आप किसी को सपोर्ट कर सकते हो. सो मैं ये चाहती हूँ कि आप अगर कुछ भी करना चाहते हो, सबसे पहले अपने आप में ट्रस्ट करो. उसके बाद आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, और जो करना है उसके लिए बहुत मेहनत करो. कभी ये मत सोचो, बिकॉज मैं ऐसा नहीं सोचती कि ये काम मुझसे नहीं होगा. नहीं होगा जैसा कोई वर्ड नहीं होना चाहिए. यू जस्ट कीप ट्राइंग, ट्राई करते रहो. अगर आपकी लक में है तो आपको ज़रूर मिलेगा, बट ट्राई करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए. यू हैव टू वी ऑलवेज लाइक कीप ट्राइंग. सबसे बड़ी बात जो मिथिला ने कही कि अपने आप पे विश्वास करो, ट्रस्ट करो. जब आप अपने आप पे विश्वास करोगे तो कोई राह मुश्किल नहीं है. Yes. देखिए, अगर आप मुंबई निकलना चाहते हैं तो जैसे मिथिला जी ने कहा कि अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ निकलिए. और इससे पहले थोड़ा होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है कि आपको लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है, जैसे अंग्रेजी हो, हिंदी Yes. हो या अन्य कोई भाषा. Absolutely. ये जानकारी बहुत होनी ज़रूरी है. और अभिनय को लेकर ऐसा ही नहीं कि आपने किसी को कह दिया कि मिथिला आप बहुत खूबसूरत, आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपको तो मुंबई होना चाहिए. बिल्कुल, ऐसी बात होना जाए. अपने आप को तैयार करके फिर निकले, मेरा विश्वास है. और ये विश्वास मिथिला का भी है कि आपको जरूर सफलता मिलेगी. बिल्कुल. चलते चलते हमारे जो हेलो बीकानेर के जो हमारे श्रोता है, हमारे जो दर्शक है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मैंने बीकानेर जैसे शहर में जन्म लिया है. बीकानेर के लोग जो इतने प्यारे हैं,
जो हमें इतना प्यार करते हैं, आप सबको थैंक यू सो मच, जो आप हमेशा हमें सपोर्ट करते हो हर चीज़ में, हम चाहे कुछ भी करें, आप हमेशा हमें इतना चाहते हो, इतना प्यार देते हो उसके लिए, और आप सबके लिए कि आप चाहे जो भी करो उसे पूरी लगन से, पूरी मेहनत से करो, कभी हार मत मानो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। कभी हार मत मानो, मिथिला ने कहा है, मैंने नहीं, कभी हार मत मानो। और मैं hellobikaner.com की तरफ से मिथिला जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना बहुत ही कीमती समय हमारे hellobikaner.com को दिया। मिथिला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस कार्यक्रम में हमें अपना वक्त दिया। Thank बहुत so बहुत much. धन्यवाद। थैंक यू।